video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. Students, today let us begin with lesson 1, Don't Quit. It is an inspirational poem which is also relevant in today's time when we all are fighting with COVID-19. The poet says, "Do you remember the story of King Brus and the spider? What lesson do you get from that story?" The message in the poem is simple. Don't quit, whatever is the situation. Everybody has those hard times where they want to give up. It might be after you had a bad day at school or you lost in any of the sport. The poet says, life is like a roller coaster ride with twists and turns. We cannot predict what will happen next. This poem describes how life can beat you down, but in order to succeed, you need to pick yourself up and try again. Let us begin. When things go wrong, as they sometime will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and when you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must, but don't you quit. अर्थात जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जो कि कभी होगी ही, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग ऊपर की ओर अत्यंत कठिनाई भरा हो, जैसे हम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, जब हमारे पास धन कम हो और हमारे ऋण अधिक हो, जब हमें हंसना पड़े मगर हमारा मन उदास हो. When care is pressing you down a bit, केयर का अर्थ है यहाँ पर जब हम परवाह के कारण हमें चिंता अधिक हो, जिसकी वजह से हमें थोड़ा विश्राम करना अत्यंत आवश्यक है, तब हम उम्मीद ना छोड़े. डोंट क्विट. लाइफ इज क्वियर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, एंड मेनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट. डोंट गिव अप दो द पे सीम्स लो, यू मे सक्सीड विथ अनादर ब्लो. अर्थात जीवन विचित्र है अपने अनेक मोड़ और घुमावों के साथ, उनसे भरा हुआ है. जीवन में हर क्षण सहसा कुछ न कुछ विचित्र घटित होता जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसा कि हम सभी कभी न कभी यह अनुभव करते हैं. कई असफलताएं जीवन में आती है जब हमें यह महसूस होता है कि सफलता करीब थी, जीत जाते अगर यदि. मत छोड़ना चाहे रफ्तार धीमी हो जाए, अचानक एक झटके से जीत तुम्हारी होगी. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट इज व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट. These are the beautiful lines, especially the first one, very meaningful, and there is use of metaphor. Metaphor is a figure of speech where two opposites are put together. इस लाइन को हम समझेंगे. Success is failure turned inside out. यहाँ पर दो अपोजिट चीज़ों का एक ही समय पर इस यूज़ किया गया है. Success, जिसका विपरीत शब्द है failure, और inside out. यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि सक्सेस और फेलियर विपरीत होते हुए भी किस तरह से एक दूसरे के पूरक है. इसी तरह से इनसाइड आउट जो हमारे अंतर मन में चल रहा है, जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा है जीत पाने की, जीत जाने की, उस इच्छा की पूर्णता भी तभी होगी जब हमारे अंदर जो भी विश्वास है, हमारे अंदर जो भी काबिलियत है, वो सब बाहर आ पाएगी. हर असफलता हमें सिखाती है कि हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं थी, शायद कुछ कमी रह गई हो जो हम अगली बार पूर्णतः तैयार होकर कार्य करें. जैसे काले बादलों की चमकीली कोर आशा की किरण की तरह होती है, उसी प्रकार असफलता भी हमें पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है. आप नहीं जानते
आप सफलता के कितने करीब हैं, विशेषता जब हमें लगता है कि वहाँ बहुत दूर है। अतः अपनी कोशिश जारी रखें, अपनी लड़ाई जारी रखें। जब हमला सबसे तेज हो, जब स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो, तब नहीं छोड़ना है। डोंट क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट। वन डे द सक्सेस विल